ब्रह्मोत्सवाचार श्री मगन जैन आस्था मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रखते हैं अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर और अपरिग्रह इन पांच व्रतों की पूर्णता के लिए हमें क्या प्रसाद करना चाहिए कृपया समाधान करें पांच अणुव्रत यह श्रावक को अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए पहले अभ्यास रूप में धारण कर ले अहिंसानुव्रत सत्या अनुव्रत आचार्य अनुव्रत ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत है और इनकी पूर्णता के लिए हमें पुरुषार्थ इनको व्रतों को लेकर के इनको स्मरण रखना रोज दोनों टाइम के सामायिक में इनका चिंतन करना ध्यान में चिंतन करना कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की हिंसा ना हो मैं कोई स्थूल झूठ ना बोलूं स्थूल चोरी ना करूं कभी भी पर स्त्री आदि सेवन का परिणाम न रखूं जो परिग्रह का परिमाण बनाया है उसे स्मरण करो उसे बार बार याद रखो और वैराग्य भावना भाती रहो जगत शरीर और भोगों का आप चिंतन करें कि ये जो चीज़ें हैं मेरी शाश्वत चीज़ें नहीं हैं यदि इस प्रकार का परिणाम बना रहा बैराग की भावना बनी रही संवेद की भावना बनी रही प्रशन भाव आस्तिक भाव बना रहा तो ये सब जो चीजें हैं हमारे अनुव्रतों को और पुष्ट करेंगे अनुव्रत ही हमें तक ले जाएंगे हम लोग व्रतों ले, ले लेते हैं पर व्रतों का ध्यान नहीं रहता है क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि हम उसे ध्यान में नहीं लाते हैं उसे चिंतन में नहीं लाते हैं जितना आप उसे बार बार स्मरण करेंगे आपको पता है अतिचार में एक अतिचार कॉमन सबके साथ है कि विस्मरण आप भूल गए हो आप अनादर कर रहे हो तो इस प्रकार का अतिचार ही न लगने दें तो हमारे व्रत जो है पूर्णता से पालन अवश्य होंगे नमस्ते चनक कुमार जैन लखना दोन से अपनी शंका रख रहे हैं आरती करते समय हम प्रभु का गुणगान करते हैं तो फिर दीपक से आरती उतारना क्या यह उचित है या नहीं कृपया समाधान करें प्रतीकों के माध्यम से हमारे जो भाव हैं वो टिके रहते हैं यदि हम प्रतीकों को छोड़ते जाएंगे तो हमारे भाव भी टिकने वाले नहीं हैं जैसे अष्टद्रव है अब अष्टद्रव चढ़ाने की क्या जरूरत है हम भाव से पूजा कर लें भाव से गुणगान कर लें लेकिन वो प्रतीक हैं, जल प्रतीक है चंदन प्रतीक है यह अक्षत आदि प्रतीक हैं, तो प्रतीकों को हम लेके चढ़ाते हैं छोड़ते हैं तो हमारा भाव परिणाम लगा रहता है आरती भी एक प्रतीक है गुणगान का यह आरती जगमगा रहा है प्रकाश कर रहा है ऐसे ही हम जो परमात्मा के गुणगान कर रहे हैं वो हमको प्रकाशित करें वो हम हमारा अंधकार दूर करें हमें ज्ञान प्रकट करें तो इन प्रतीकों के माध्यम से हमारे भाव बहुत सुंदर लगे रहते हैं यदि हम एक एक करके प्रतीकों को हटाते दें आरती को हटा दें अष्ट प्रातिहार को हटा दें अष्ट मंगल द्रव को हटा दें अष्ट द्रव्यों को हटा दें सब हटा दे जाइए आपके पास क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा और आपके भाव परिणाम भी नहीं लगेंगे इन सब प्रतीकों को हटाने के लिए आप मुनिराज बन जाइए शुद्धो उपयोग में चले जाइए सबसे बढ़िया है देखिए ये सब पिछी भी क्या है सब प्रतीक है तो इन सब प्रतीकों के माध्यम से हमारा जो भाव है हमारा जो परिणाम है वो लगा रहता है यहां वहां नहीं जाता आप गुणगान करते रहिए यह परिणाम यहाँ चले जाएंगे और आरती हाथ में लेंगे तो यह परिणाम आपके भाव सब जुड़े रहेंगे आपका मन आपका वचन आपकी काया जो है प्रभु से जुड़ जाएगी इसलिए जब भगवान के गुणगान करें तो गण लोग हाथ में आरती लेकर भी आरती करके गुणगान कर सकते हैं नमोस्तो जर श्री डॉक्टर कृष्णा जैन आगरा उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं जब भगवान सिद्ध हो जाते हैं तो हमारी मदद किस प्रकार करते हैं कृपया तो आप समाधान करें गुरुदेव सिद्ध परमात्मा कैसे हमारी मदद करते हैं हम उनको भक्ति से नमस्कार करते हैं उनको स्मरण करते हैं और इसी स्मरण से हमारा कार्य पूरा हो जाता है आप यही समझिए कि यही उनने हमारे ऊपर मदद की है यदि सिद्ध परमात्मा न होते तो हम सिद्ध जैसे आराधना नहीं करते अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझते कि मेरा आत्मा भी शुद्ध और बुद्ध और स्वरूप है जब सामने कोई चीज है कोई परमात्मा इस इस पर्याय को प्रकट हुआ है तो हमने जो अवलंबन लिया उनका अवलंबन लेना ही उनकी हमारे द्वारा हमारे लिए मदद है हमारा उपकार कैसे हो रहा है देखिए कैसे उपकार हो रहा है हम सिद्धत्व के लिए प्रयाण कर रहे हैं हम एक एक क्षण अपने स्वरूप में जाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं यही तो सिद्ध परमात्मा का हमारे लिए उपकार है उन्होंने प्रमाण बताया कि देखो आत्मा इस प्रकार से शुद्ध हो सकती है और बनती है और बने हुए हैं तो हम उनका अवलंबन लें और सहारा लें देखिए हमारी आत्मा को किस प्रकार से उनके द्वारा हमारे लिए उपकार होगा नमस्ते चरश्री प्रशांत जैन अहमदाबाद गुजरात से आपके शिक्षणों में अपनी शंका रख रहे हैं अनादि मंगलाचरण एवं आदि मंगलाचरण कौन कौन से हैं कृपया समाधान करें गुरु जी अनादि मंगलाचरण जो पांच परमेष्टि हैं वो अनादि काल से हैं और उन पांच परमेष्टि को नमस्कार करना ये अनादि मंगलाचरण है जो किसी के द्वारा निबद्ध नहीं है ये अनिबद्ध है जैसे बनाया नहीं गया है जैसे नमोकार महामंत्र ये अनादि है क्योंकि पांच परमेष्टि अनादि है तो इस प्रकार से जिसे बनाया नहीं गया वो अनिबद्ध मंगलाचरण है और निबद्ध मंगलाचरण क्या है जिसे बनाया गया हो जो शास्त्र में अपन देखते हैं कोई भी शास्त्र प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण से प्रारंभ होता है वो आचार्यों द्वारा बनाया गया है तैयार किया गया है जैसे नमः श्री वर्धमान आय निर्धुत कलिलात्म शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण आय ये मंगलाचरण यार किया मोक्ष मार्ग नेता राम कर्म भूताम ज्ञाताराम विष्णव नाम बंदे तदगुण लब्धे जहां पर आचार्यों द्वारा उसे रचा गया लिपिबद्ध किया गया अपनी भाषा और अपने भाव डाले गए वो मंगलाचरण जो है वो शादी मंगलाचरण है अर्थात जिसे तैयार किया गया निबद्ध मंगलाचरण है अनिबद्ध मंगलाचरण है जिसे आज तक नहीं बनाया नमोकार महामंत्र अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा वो अनिबद्ध मंगलाचरण कहलाता है इसे अनादि मंगलाचरण कहते हैं सभी को सादर जय जिन अगर आपके मन में किसी प्रकार की शंका है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान गुरुदेव के मुखार्ज से आपको प्राप्त हो सकता है जय जिनेंद्र